नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यौ मनी और इस शो के जरिए हम आप करते हैं मदद ताकि आप अपनी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, नई शुरुआत रिलेटेड या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग या गोल्स रिलेटेड, तो आप अपने सभी क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। तरीका आसान है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर के थ्रू आप अपने सवाल भेज सकते हैं #askabazyourmoney लिखकर। व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल आप लिख भेजिए 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। हमारे साथ हैं आज मनी फ्रंट के को फाउंडर और CEO मोहित गैंग। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लें, उससे पहले बात करेंगे आज NFO के बारे में कि न्यू फंड ऑफर होता क्या है, क्या रेलेवेंस होती है न्यू फंड ऑफर की यूजुअल म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले, क्या NFO पर ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं, और इसके बाद बाकी बारीकियों को भी समझेंगे। तो मोहित, वेलकम टू द शो। बताइए पहले तो न्यू फंड ऑफर के बारे में। शुक्रिया बहुत बहुत दीपाली जी। तो देखिए, न्यू फंड ऑफर एक बहुत ही प्रचलित सा तरीका है मार्केट में, जिसके जरिए फंड हाउसेस नया पैसा इकट्ठा करते हैं, नई स्कीम लॉन्च करते हैं। तो होता यह है कि जब भी कोई फंड हाउस के पास में किसी एक कैटेगरी में अगर स्कीम अवेलेबल नहीं है, तो सेबी के कैटेगराइजेशन रूल्स के तहत हर फंड हाउस एक कैटेगरी में एक स्कीम लॉन्च कर सकता है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में उनके पास में एक फंड हो सकता है, मिड कैप में एक हो सकता है, मल्टी कैप में एक हो सकता है, फ्लेक्सी कैप में, इस तरह हर कैटेगरी में एक फंड अलाउड है सभी फंड हाउसेस को। तो काफ़ी सारे फंड हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास में हर कैटेगरी में एक स्कीम अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने शेल्फ को पूरा करने के लिए उस कैटेगरी में जब कोई नया स्कीम लॉन्च करते हैं तो उस स्कीम को NFO यानी न्यू फंड ऑफर कहा जाता है। कि एक तरह से जैसे स्टॉक मार्केट में नया स्टॉक आता है, जैसे हम IPO के थ्रू पब्लिक का पैसा उठाते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में पब्लिक का पैसा उठाने के लिए आप एक NFO के जरिए नए स्कीम को लॉन्च करते हैं। तो 10 रुपये के भाव पर ये स्कीम लॉन्च होती है। करीब 15 दिन का NFO पीरियड होता है, जिसके अंदर में सभी निवेशक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और उसके 3 या 5 दिन के बाद में वो NFO लिस्ट हो जाता है यानी खुल जाता है। खुलने के बाद भी आप उस स्कीम में निवेश कर सकते हैं अगर वो ओपन एंडेड है। तो कंपनीज अक्सर AUM को शोर अप करने के लिए, बिकॉज दीपाली जी देखा गया है अक्सर कि मार्केट में आपको जब AUM इकट्ठा करना होता है तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में निवेशक इतना पैसा रेगुलरली नहीं डालते हैं, बट जब कभी नया NFO आता है या कोई अच्छी नई थीम आती है जो कि मार्केट में पहले से उपलब्ध नहीं है, तो बहुत बार देखा गया है कि निवेशक जोरों शोरों से उसमें निवेश करते हैं। कुछ हद तक इसमें मार्केट में गलत धारणा भी है कि अगर ये 10 रुपये का है तो सस्ता है और इसमें निवेश करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पर फिर भी काफ़ी निवेशक है जो इस रुझान में आ जाते हैं कि 10 रुपये का नया NFO आया है इसलिए मुझे इसमें निवेश कर देना चाहिए, और इसके तहत भी काफ़ी लोग NFO में पैसा डालते हैं। पर हकीकत यही है कि NFO या एग्जिस्टिंग स्कीम में कोई अंतर नहीं होता और निवेशकों को काफ़ी ध्यान रखकर इसमें निवेश करना चाहिए। पर जहाँ तक कंपनी का सवाल है, फंड हाउस का सवाल है, वो NFO तभी लाती है मार्केट में जब उसके पास शेल्फ पे कोई स्कीम नहीं है, बी उनके पास कोई बहुत ही बेहतरीन आइडिया है जो मार्केट में अभी तक नहीं था और नया एक थीम या नया कुछ सेक्टोरल फंड वो लाना चाहते हैं, या फिर उन्हें अपना AUM और ज़्यादा बढ़ाना है, इकट्ठा करना है, और उनको ऐसा फीडबैक आया है डिस्ट्रीब्यूटर्स से कि अगर आप इस कैटेगरी में एक नया फंड लाते हैं तो यहाँ पर निवेशकों का बहुत रुझान है। तो इन सब कारणों के तहत नए NFO मार्केट में आते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और मोहित, अगर कोई NFO में इन्वेस्ट करता भी है तो क्या किन बातों का ख्याल रखे? दूसरी बात, NFO में ही पैसे डालने की क्या रेलेवेंस है, क्योंकि एनी विच वेज ये फंड तो आना ही है, तो इसमें हम बाद में ही पैसा डाल सकते हैं, तो क्या खास बातें होती हैं, और प्लस इन्वेस्टर्स को कुछ खास ख्याल रखना चाहिए कि NFO में पैसा लगाने से पहले? जी, तो दीपाली मेरा ये मानना है कि अगर आप NFO में निवेश करते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि वो आपके फिनेंशियल लक्ष्य या फिनेंशियल जो गोल्स हैं उनसे मेल खाता हुआ थीम है, वो थीम आपके लक्ष्य को हासिल करने में यूज़फुल रहेगा, या फिर आपके आपका जो व्यू है उस सेक्टर या उस थीम पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तब आप निवेश कर सकते हैं। या फिर एक कारण ये हो सकता है कि आपके पास उस तरह की स्कीम है ही नहीं पोर्टफोलियो में। तो सपोज़ करिए कि किसी फंड हाउस का एक नया मल्टी कैप NFO आया है और आपके पास में मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है ही नहीं, और आप चाहते हैं ऐसे एक फ़ंड का शुमार करना, तब भी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है निवेशकों के लिए। सबसे पहली बात कि कोशिश करिए कि आप किसी भी थीम को रेप्लिकेट ना करें, यानी अगर आपके पास में लार्ज कैप फंड है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में, एक या दो स्कीम्स ऑलरेडी हैं उस कैटेगरी की, तो तीसरा और चौथा
उसमें फंड डालकर आपको कुछ डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो बहुत केयरफुल रहिए कि सिमिलर थीम्स या सिमिलर काइंड ऑफ एनएफओज में निवेश करने से बचिए। जहाँ तक हो सके जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनमें निवेश करिए, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश्ड है, उन स्कीम्स ने एक लाइफ साइकिल देख चुके हैं, उनके फंड मैनेजर्स ने अच्छे और बुरे वक्त दोनों गुजारे हैं और एक पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं अगर निवेशक उनमें निवेश करेंगे तो, बजाय इसके कि वो नए एनएफओ को चेस करें। एक फ़ायदा एनएफओ में डालने का ये मिलता है, क्योंकि पोर्टफोलियो पहली बार बनता है तो फंड मैनेजर के पास थोड़ा टाइम होता है एयूएम को डिप्लॉय करने का, यानी पैसे को निवेश करने का। तो अक्सर देखा गया है कि एनएफओ का जो पैसा आता है वो 1 या 3 महीने के बीच में फंड मैनेजर्स धीरे धीरे कर सही स्तर पर निवेश करते हैं, तो थोड़ा जो आपका एंट्री पॉइंट है वो स्टैगर्ड हो जाता है। तो एक तरह से जो आप एसटीपी करते हैं या एसआईपी करते हैं, उसी तरीके से एनएफओ में भी काफ़ी बार फंड मैनेजर 1 से 3 महीने या 1 से 6 महीने के बीच में अपने पैसे को धीरे धीरे कर निवेश करते हैं। तो थोड़ा सा आपको एंट्री पॉइंट का बेनिफिट कभी कभी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही मिले। बट हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर वो थीम आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, अगर वो थीम आपके फाइनेंशियल लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर रही है, लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी आप किसी एनएफओ में जाइए। अन्यथा जहाँ तक हो सके एनएफओ से बचिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश होने दीजिए और उसके बाद ही देख परख कर उनमें निवेश करिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एनएफओ के बारे में, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, किन बातों का ख्याल आपको रखना है। लेकिन चलिए अब करते हैं सवालों को शामिल। विश्व हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। विश्व जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। या तो मेरा सवाल है, जो मेरे भी फंड्स है अभी, क्या मैं 5 से 10 साल के बीच में उसमें 15% CAGR एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? और सेकेंड मेरा क्वेश्चन है कि क्या उसमें कोई सेक्टोरियल फंड ऐड करना जरूरी है क्या? और तीसरा सवाल ये है कि क्या मुझे कोई US एक्सपोजर वाला म्यूचुअल फंड भी उसमें ऐड करना चाहिए क्या? और पूरे पोर्टफोलियो में कोई फंड में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या? ओके, तो एक एक करके आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपकी 27,000 की मंथली SIP चल रही है फिलहाल, और आपका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 2 लाख के आसपास है। 5 से 10 साल का होराइजन है। 15% का रिटर्न कितना लाइकली पॉसिबल है, और कितना एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे, और फंड में या पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की ज़रूरत है क्या? तो उस हिसाब से अगर इनका पोर्टफोलियो लेकर आए तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में इनके पास है 9,000 रुपये महीना, क्वांट फ्लेक्सी कैप में 8,000 रुपये महीना, एडवाइज मिड कैप में 5,000 रुपये महीना, कोटेक स्मॉल कैप में भी ये पैसे डाल रहे हैं और यहाँ भी 5,000 रुपये महीना है। साथ ही इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो, उसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, SBI मैग्नम मिड कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, SBI स्मॉल कैप है, और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी यहाँ पर 3,000 से लेकर 9,000 की SIP चल रही है। बताइए दोनों पोर्टफोलियो पर आपके सजेशन, कुछ चेंजेस, सेक्टोरल फंड शामिल करना कितना बेहतर होगा, बताइए जी। तो विश्वा जी, देखिए जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आप 15% की जो एनुअल दर है उसके हिसाब से रिटर्न बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, तो देखिए मार्केट कितना रिटर्न देगी आने वाले 5-10 साल में, ये कहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। आप एक एजुकेटेड गैस लगा सकते हैं इसके ऊपर में, थोड़े से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री देखें मार्केट का, तो सेंसेक्स के अगर रिटर्न्स देखें, लास्ट 40 साल के रिटर्न्स को अगर देखा जाए, तो जो CAGR रिटर्न रहा है सेंसेक्स का वो 14 से 14.5% के बीच में रहा है। उसी तरह से निफ्टी के रिटर्न्स भी कुछ 14 से 14.5% के बीच में रहे हैं। अब अमूमन ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका काम होता है बेंचमार्क को बीट करना या बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न देना, पर क्या जो पिछले रिटर्न रहे हैं वो आने वाले समय में भी आगे रहेंगे, बरकरार रहेंगे, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसे जैसे एक इकोनॉमी मच्योर होती है, जिस तरह से इकोनॉमी आगे बढ़ती है, डेवलप्ड होती है, तो जो इकोनॉमी के रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं वो थोड़े से कम होते जाते हैं, और ऐसा अक्सर सारे डेवलप्ड नेशंस में भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 12% की दर को मानकर चलेंगे तो आपको कभी भी निराशा नहीं देखनी पड़ेगी।
जरूर हो सकता है कि आप इससे काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न बनाए, और शायद जो आप दर सोच रहे हैं वो भी आप बना ले, पर मेरा ये मानना है कि 12% का जो दर है उसे आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये दर जो है वो एक लॉन्ग टर्म रेट के हिसाब से है, और अगर भारत का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी देखें आप तो करीब 5 से 6% इन्फ्लेशन और 5 से 6% ग्रोथ के हिसाब से ये रेट काफी ठीक बैठती है, तो आप 12% की दर को अज्यूम करके चलिए, अच्छा हुआ तो और भी बेहतरीन रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। दूसरी बात, क्या आपको सेक्टोरल फंड शामिल करने चाहिए? देखिए मेरा ये बहुत ही स्ट्रिक्ट सा व्यू है एक, कि सेक्टोरल फंड आप तभी लीजिए जब आप उस सेक्टर के बारे में कुछ अलग जानते हैं, आप उस सेक्टर में किसी तरह से जुड़े हुए हैं, आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, या फिर आपका एडवाइजर आपको ये सलाह दे रहा है कि उस सेक्टर में कुछ स्पेशल सिचुएशन होने वाली है। अन्यथा अगर आप पूरी तरह से उसे ट्रैक नहीं कर सकते और उसकी साइक्लिकलिटी को नहीं समझते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आप एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप थीम में ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उस थीम में फंड मैनेजर ऑलरेडी उन सारे अच्छे सेक्टर्स को शामिल कर रहा है, तो आपको अलग से उसके लिए एक फंड का चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां तक हो सके सेक्टोरल एक्सपोजर को अवॉइड करिए। तीसरा आपका जो क्वेश्चन था कि क्या आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल करना चाहिए। देखिए भारतीय मार्केट जो है, अगर वो आप पूरे विश्व के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो उसका कुछ 3 से 3.5% का हिस्सा है। यूएस मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और आज भी दुनिया का 60% मार्केट कैप यूएस मार्केट से आता है, तो यूएस मार्केट की तुलना नहीं की जा सकती किसी भी दूसरे मार्केट से। तो अगर आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, कंट्री रिस्क को भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो जरूर यूएस मार्केट में निवेश करिए। 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का किसी अच्छे इंटरनेशनल फंड में, और जो कि यूएस बेस्ड फंड लो उसमें डालिए। आप चाहें तो एक नैसडेक इंडेक्स फंड या फिर S&P इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं, राइट? पर इसे लंबी अवधि के लिए डालिएगा, 5 से 10 साल कम से कम। और ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेशनल फंड्स पे पूरा टैक्सेशन लागू होता है आपके डेट फंड्स की तरह ही। तो ये तो आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा आपका जो सवाल था कि क्या आपका पोर्टफोलियो ठीक है, जी हाँ आपने सभी अच्छे फंड्स का चुनाव किया है। 27-27 हज़ार रुपए की जो SIP आप अपने नाम में और अपने वाइफ के नाम में कर रहे हैं, वो काफी अच्छी तरीके से आपने प्लानिंग भी किया है, और अगर मैं 12% की दर को अज्यूम करूं तो आने वाले 10 सालों में आप करीब 1.25 करोड़ से 1.3 करोड़ के आसपास की रकम को इकट्ठा कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से रकम भी अच्छी इकट्ठा हो जाएगी। कोशिश करिए कि आप इसे बढ़ा सकें। आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में एक एक लार्ज कैप फंड को और शुमार कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर मिड कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। आपके पास में एक प्योर लार्ज कैप और प्योर मिड कैप फंड नहीं है, तो वहां पर जब कभी आप SIP को बढ़ाना चाहें तो प्रू ICICI Nifty 50 इंडेक्स फंड या फिर ईडलवाइज मिड कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अन्यथा आपका जो पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छी तरह से आपने उसे प्लान कर रखा है। चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर एक डिटेल्ड राय। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। राकेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड से अपना सवाल पूछने के लिए। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरा सवाल था कि मंथली 18,000 का मेरा SIP है, जिसमें ABSL का फ्लेक्सी कैप है, MNC है, स्मॉल कैप है, और HDFC का डिफेंस फंड है, और निपॉन इंडिया का मल्टी कैप और स्मॉल कैप है। टोटल 18,000 महीने का है, और उसका वैल्यू अभी 1 लाख के आसपास है। ओके, तो ये हम चाह रहे थे 13 से 15 साल का, ये थोड़ा एस्टिमेट चाह रहे थे कितना वैल्यू हो सकता है इसका, 13 to 15 years टेन्योर। पूछ लेते हैं सर, क्या सजेशन रहेगा आपके लिए? तो 15 ईयर्स का इनका होराइजन है। वैसे तो 1 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन 18,000 के SIP है, 2 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। प्लस जो ये गोल लेके चल रहे हैं 1 करोड़ का तो है ही, फंड्स अगर हम दिखाएं इनके तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप, HDFC डिफेंस फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं। साथ ही आदित्य बिरला स्मॉल कैप, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप और आदित्य बिरला MNC है। 1500 से लेकर 5,000 की SIP इनकी हर महीने जा रही है इन सभी शेयर्स में, इन सभी फंड्स में। क्या सजेशन रहेगा इनके इस पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर? जी देखिए राकेश जी, जहाँ तक आपने लक्ष्य का जो निर्धारण किया है कि 10 साल में आप कितनी रकम इकट्ठा कर पाएंगे आपकी करंट सिप के चलते, तो अगर मैं 12% की रेट को अज्यूम करूँ तो 18,000 रुपये मंथली
सिप से आप लगभग 1 करोड़ की रकम इकट्ठा कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपकी जो लमसम रकम है ऑलरेडी निवेश जो किया हुआ है उसको भी अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 12% से बढ़ेगी, तो वहाँ पर आपके कुछ 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे और सिप के जरिए कुछ 90 लाख के आसपास, तो 1 करोड़ के रकम आसपास आप जमा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपनी सिप को लगातार बढ़ाते रहें आने वाले सालों में। जहाँ तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है राकेश जी, मुझे लगता है कि आपने थोड़ा ज़्यादा दो AMCs में कॉन्सेंट्रेशन कर लिया है, ABSL और निपॉन। देखिए स्कीम्स गलत नहीं है, स्कीम्स का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है जो आपने चुनाव की है उनका, स्पेशली कुछ जो निपॉन की स्कीम्स हैं उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है, बट मुझे लगता है कि आपने इन दो AMCs में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर लिया है। कोशिश करिए कि जब आप नई सिप करें या नया फंड अपने पोर्टफोलियो में नए फंड का शुमार करें तो कुछ दूसरी AMC लीजिए, कुछ दूसरा थीम भी लीजिए। तो आपके पोर्टफोलियो में अभी सेक्टोरल फंड और स्मॉल कैप का एलोकेशन भी थोड़ा ज़्यादा है, निपॉन और आदित्य बिरला AMC का एलोकेशन भी थोड़ा ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन्हें कम करना है, जब आप दूसरा नया एलोकेशन डालेंगे या नई सिप बढ़ाएंगे तो दूसरे थीम को अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा करिए और दूसरे AMC को लीजिए। तो आप एक लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में डालिए, यहाँ पर आप प्रू ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। स्मॉल कैप को थोड़े टाइम के लिए इकट्ठा मत करिए अपने पोर्ट, मतलब एज एन नया स्कीम मत डालिए उसका अपने पोर्टफोलियो में, और जहाँ तक हो सकता है लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप इसे आप अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाइए, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा और बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके चलिए, तो पोर्टफोलियो रिलेटेड आपको सजेशंस दिए गए हैं, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एडवाइज मिड कैप इन फंड्स को ऐड करने की सलाह आपको दी जा रही है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है हर कैटेगरी में। चलिए रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, मोहित गैंग हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और कॉलर से, देवेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं शिमला से सवाल पूछने के लिए। देवेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नहीं है, मैंने पोर्टफोलियो बताया ना 5, जिसमें 10,000 का मंथली हो रहा है, क्या ये पोर्टफोलियो ठीक है या कुछ इसमें चेंज करने की जरूरत है? ओके, पूछ लेते हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 10,000 के SIP है, 1 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू। आपका टाइम होराइजन क्या है? 8 इयर्स, 8 to 10 इयर्स, 8 to 10 इयर्स। ओके, 8 to 10 इयर्स का आपका टाइम होराइजन है। ओके, और इनका पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो इनके पास है मेरी एसेट फोकस, ICICI प्रो लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप, कोटा की ESG अपॉर्चुनिटीज और SBI कॉन्ट्रा। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्या व्यू है? जी तो देखिए यहाँ पर मैं पहले एक बात बोलना चाहूँगा, वो ये है कि कॉन्ट्रा फंड और ESG फंड बहुत ही अलग थीम्स हैं, एंड जब कोई निवेशक ऐसे थीम्स में निवेश करता है तो वहाँ पर उन्हें पूरी तरह से कंफर्टेबल होना चाहिए कि ये थीम का की समय अवधि क्या है, इन थीम्स के अंतर्गत आता क्या है, ये थीम्स कैसे बिहेव करती है। तो मैं काफ़ी बार मैंने कॉन्ट्रा फंड पे आप ही के शो में व्यू भी दिया है। देखिए फंड बहुत अच्छा है, पर आप ये समझिए कि वो ऐसे स्टॉक्स में या ऐसे सेक्टर्स में पैसा डालते हैं जो कि अभी नहीं चल रहे हैं, जो पूरी तरह से पिटे हुए हैं, और यहाँ पर अजम्पशन ये है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये अभी नहीं चल रहे हैं, या आगे जाकर परफॉर्म करेंगे। अब देखिए वो हो सकता है कि वो आने वाला समय 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 या 5 साल बाद हो, और उसका किसी को पता नहीं है कि वो समय कब आएगा जब वो पिटावा सेक्टर वापस चलना शुरू हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर आपकी जो समय अवधि है निवेश की वो काफी लंबी होनी चाहिए, आपको काफी पेशेंस होना चाहिए उस निवेश में, और आप इंटरिम वोलेटिलिटी से या अंडर परफॉर्मेंस से पूरी तरह कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आप नहीं है तो मेरा ये मानना है कि आप थीमेटिक फंड से पूरी तरह से बचिए, और यहाँ पर आप अपने कॉर्पस को ज्यादा मत बढ़ाइए, जहां पर है उसे रोक सकते हैं, और यहाँ से आप मूव कर अपने निवेश को एक अच्छी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 कैटेगरीज बहुत हो गई एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए, उनमें आप अपने SIPs को शुरू करिए, और अगर ज्यादा जरूरत हो तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप।
आप ये पांच कैटेगरीज के साथ में एक अच्छे पोर्टफोलियो का अच्छा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो कोशिश ये करिए, अगर आप कंफर्टेबल है तो बेझिझक होकर कॉन्ट्रा और ESG को चलने दीजिए, बट जहां तक मुझे लगता है थीमेटिक फंड्स काफ़ी रिस्की हो सकती है किसी भी निवेशक के लिए। जहां तक आपके लक्ष्य की बात है, देखिए 8 से 10 साल, 8 साल का मैंने अवधि पकड़ा है, 12% की रेट को अगर मैं अज्यूम करूंगा तो कुछ 18 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी हो जाएगी 10,000 रुपये की मासिक सिप से। तो कोशिश ये करिए कि सिप की रकम को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो आप अपने एक अच्छे पोर्टफोलियो का निर्माण कर पाएंगे और थोड़ा सा अवधि को भी बढ़ाएं, 10 को अगर 15 साल कर देंगे तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा आएगा आपके पोर्टफोलियो में। तो बस यही मेरी राय है। ओके चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, आपकी एलोकेशन सही है, लेकिन आपको या तो टाइम होराइजन या फिर एलोकेशन अमाउंट इंक्रीज करना होगा अपने गोल को हासिल करने के लिए, तो उस पर गौर करें आप ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें। चलिए सवाल इतने लेंगे, फटाफट से पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। मोहित बताइए, आपकी चॉइसेस क्या है नई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? जी दीपाली जी, मैंने आपके शो पे बहुत बार पहले भी कहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी में मुझे सिर्फ पैसिव्स ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मेरा पहला चुनाव रहेगा ब्लू ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक पैसिव फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल एलोकेशन भी मिल जाता है कुछ 25 से 30% के आसपास, और आपका टैक्सेशन इंडियन रहता है, इंडियन इक्विटी का रहता है, तो ये डुअल बेनिफिट है। मिड कैप कैटेगरी में एडलवाइज मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में टाटा स्मॉल कैप। ये ध्यान रखिएगा कि टाटा स्मॉल कैप में लमसम निवेश परमिटेड नहीं है, तो अगर किसी को लमसम करना है निवेश तो वो प्रू ICICI स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। शुक्रिया मोहित आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज और टॉप 4 फंड शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी, CNBC आवाज पर। नमस्कार।